हैं। आज हम बाहर निकल रहे हैं कहीं पे, बहुत अच्छी जगह जा रहे हैं, जगह का नाम है क्लॉस्टर। और उससे पहले हम लोग बस ऐसी एक थोड़ा सा ब्रेकफास्ट हमने कर लिया था, तो कॉफ़ी और डोनट के लिए रुके थे। आप लेकर बाहर है ऊपर, और ये है मौसम करीब। Good. You're living alone in it right now. I've got a couple of travel companions that are joining me for different legs of the trip, but I'm doing a whole round the country. Good. Cool. Awesome. So, cool. Yeah, this turns into a second bed, so I've got a travel companion. Wow. They can be right here. And you can just hook it up like at the motorhome or the RV park. At the RV park. Yeah. In the electrical, and if you need to fill with water, you plug it in. So, हम लोग आ चुके हैं Hammond Castle. बहुत नई लोकेशन है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। अभी आपको मैं दिखाता हूँ, इसका एंट्रेंस ही आपको दिखाता हूँ। अभी हम लोगों ने पार्किंग में वहाँ गाड़ी खड़ी करी। स्टेयर्स जा रही हैं नीचे। सामने है खूबसूरत कैसल। अभी दिखा, इसका व्यू इतना मेस्मराइजिंग है कि अलग ही जगह है ये Hammond Castle, बहुत ही खूबसूरत है। तो इस खूबसूरत कैसल का नाम तो आपको पता चल ही गया है, यह है Hammond Castle। ये लोकेटेड है ग्लॉस्टर सिटी के अंदर, मैसाचुसेट्स स्टेट में। और ये बेसिकली एक घर था और एक लैबोरेटरी थी जॉन हेज Hammond जूनियर की, जो कि बहुत बड़े इन्वेंटर भी थे और ही वाज अ पायनियर इन द स्टडी ऑफ रिमोट कंट्रोल। 400 से ज़्यादा पैटर्न्स हैं इनके नाम पे रजिस्टर्ड, तो ये अच्छे खासे बड़े एक इन्वेंटर भी थे। और इस पूरे पैलेस के अंदर, अभी तो हम बाहर से देख रहे हैं, इतना खूबसूरत है, इसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी एंटीक चीज़ें हैं जो कि डेट करती हैं बैक 1100 तक। तो अभी तो मैं आपको बाहर से दिखा रहा हूँ ये, उसके बाद अंदर से आप देखेंगे तो ये और बहुत खूबसूरत है। दरवाजा है पूरा मेटल है, प्योर, हिल भी नहीं रहे इसके। इसका स्ट्रक्चर है पूरा। और ये एक ब्रिज है, यहाँ से पानी आता होगा कभी, अभी पानी बंद हो गया है लेकिन ये अच्छा। एक और ख़ास बात इसकी पता चली है कि जो पूरा आप आर्किटेक्चर देख रहे हैं ना, इसमें 15th, 16th और 18th सेंचुरी के एलिमेंट्स हैं पूरे। ये बेसिकली एक साइड एंट्रेंस है। तो उस टाइम पे जब जो भी स्लेव्स होते थे या जो भी वर्कर्स होते थे, वो ये साइड एंट्रेंस से ही घुसते थे,
वो मेन एंट्रेंस से नहीं जाते थे, तो ये वो साइड एंट्रेंस है। और इसमें अब कुछ फ़ोटोज़ लगी हुई हैं थोड़ी सी, एक इन्होंने एक लाइब्रेरी सी बनाई हुई है, ये काफ़ी खूबसूरत है ये भी। It's not about long, it's like you can take your own sweet time. Wow, look at it. Have you already entered the castle or what? Yeah, I think so. So what about the guided tour then? Well, we have to go outside for the guided tour. Oh, okay. It's at 1:30, right? Don't. ये वाला जो सामने है ये मेन गेट है, जो जो मैं आपको बाहर से दिखा रहा था इस गेट को, और ये मेन एंट्रेंस है। जो आपने पहले रूम देखे थे वो सारे वर्कर्स के रूम से, अभी हम लोग मेन रूम में जाएंगे, मेन जगहों पे जाएंगे। आगे काफ़ी कुछ है, बहुत खूबसूरत है इसका इंटीरियर, सारा कुछ ही ओरिजिनल उसी टाइम का है। अभी यहाँ से आएगा कोई और अभी हम वेट कर रहे हैं गाइडेड टूर का, एक गाइडेड टूर लेंगे हम लोग पूरा, तो पता चलेगा काफी इस कैसल के बारे में। The castle itself was built between 1926 and 1929 by the inventor John Hayes Hammond Jr. At the time of its construction, it cost roughly $500,000 to build. Updated for inflation, that's roughly $8.25 million. So quite the pretty penny. Just steps, okay? Stairs का पूरा एक स्पाइरल डिजाइन है। Beautiful, I know. ये जो रूम आप देख रहे हैं ये इस पैलेस का सबसे बड़ा रूम है, और ये एक 13th सेंचुरी गॉथिक स्टाइल कैथीड्रल बनाया है, मतलब 13th सेंचुरी का इसको एक फील वाइब दी है। और ये सबसे खूबसूरत और सबसे बड़ा रूम है इस पूरे पैलेस का। Building look a lot older than it actually is.
बड़ी कूल चीज दिखाता हूँ। ये जो रूम है ना पूरा, ये पूरा राउंड है, और जैसे ही मैं ये सेंटर है, ओके, और ये देखिए ऊपर, अब मैं जाऊँगा मेरी आवाज़ देखिएगा, हेलो 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 हेलो, अब आप सुनिए, सराउंड हो रही है साउंड। पता नहीं किस हिसाब से क्या होने वाला है। अच्छा ये भी एक बात है कि वो वहाँ पे कोई नहीं सुन सकता, मतलब मेरे चारों तरफ कोई भी नहीं सुनेगा, ये सिर्फ मुझे ही मेरी आवाज़ सुनाई आ रही है, बड़ी स्ट्रेंज सी चीज़ है। लेकिन ये विंडो है और ये सारे जो कर्टन हैं ये उसी टाइम के हैं, पर्दे भी मतलब तभी के हैं, लेकिन मोस्टली सारी चीज़ें तभी की हैं, ये बुक्स भी तभी की हैं, इंस्ट्रूमेंट्स बहुत सारे, इतनी हिस्ट्री है इस जगह में कि मैं बताना मुश्किल है, बहुत चीज़ें बताई, ये भी पेंटिंग भी तभी की है, सब कुछ तभी का है इसमें, एग्जैक्टली सेम, दिस इज रियली कूल है। इसकी ख़ास बात यह है इसके अंदर इतने पुराने 10th सेंचुरी 11th सेंचुरी के आर्टिफैक्ट्स हैं कि मतलब बहुत खूबसूरत पीसेस, वो 11th और 10th सेंचुरी के बहुत पुरानी प्लेट्स, वो सब चीज़ें, जैसे ये बहुत अच्छी चीज़ है इसमें, सब एंटीक बहुत पुराना। मिक्स मास्टर पास्ता शीट, ओह द एग एंड कबाब आर रेडी, यू वांट सम, इफ यू ईट दोस बीन्स योर स्टमक इज डेफिनेटली गोना, व्हाट इज इट, very old. What? Yeah, and that picture is over there also. That's a nice one. That is actually really tight. Oh, okay, so we are not that far. अब इस रूम में आप जितने भी आर्टिफैक्ट्स देखेंगे आगे, ये सब 11th सेंचुरी के हैं, ये सारी पेंटिंग्स आप देख रहे हैं 10th सेंचुरी 11th सेंचुरी की है, और ये प्लेट्स आप ऊपर देख रहे हैं ये सब 10th सेंचुरी की है, तो ये सारे एंटीक्स तब के लाए हुए हैं फ्रांस से और अलग अलग कंट्रीज से, ये सब आप ऊपर देख रहे हैं, सब बहुत पुराने बहुत खूबसूरत एंटीक्स हैं इसके अंदर। अब ये देखिए आप, जैसे कि ये प्लेट है, ये 14th सेंचुरी की है, इटली से आई है ये, ब्यूटीफुल। ये जो आप आर्किटेक्चर देख रहे हैं ना, ये 15th सेंचुरी फ्रेंच विलेज स्टाइल है, ब्यूटीफुल। अब हम जा रहे हैं रूम्स के अंदर, ये फर्स्ट रूम स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, अच्छा इन जगहों की खास बात यह है कि एज इट इज़ हैं, जैसे उस टाइम पे थे, जैसे जब लगते थे, अब आई मीन पुराना तो ऑब्वियसली हो चुका है, बहुत सी चीज़ें वन आउट लग रही हैं, लेकिन ये उसी तरीके से ही सब कुछ रखा हुआ है, तो एक तरीके से टाइम कैप्सूल है, बहुत खूबसूरत। अब देखिए बाथरूम तब ऐसे होते थे, did you see the ski shoes? ये देखिए है, इसके ऊपर वो होती थी पहले, yeah.
disintegrated, right? That one? It's almost disintegrated, right? ये अब हम सेकेंड रूम देख रहे हैं, ये है इसका बाथरूम। What is this room? It's for his butler. You see stairs in the back. Oh wow, look at this. Beautiful. This side of the door. Yeah. ये पूरा, अब हम कैसल के बाहर आ चुके हैं। ये इसका आउटर गार्डन है, एक मेन गार्डन है, वहाँ पे भी मैं अभी आपको ले चलूँगा दिखाने के लिए। यहाँ से ओशन का व्यू बहुत खूबसूरत है। और आप, मैंने काफ़ी सारी यहाँ पे रील्स बनाई थी इंस्टाग्राम के लिए, अगर आप चाहते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो करिए। वहाँ पर मैं ऐसी रेगुलर रील्स डालता रहता हूँ, मतलब मैं वीडियो बनाने से बहुत पहले रील्स अपडेट कर देता हूँ। जहाँ पे भी मैं जाता हूँ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं वहाँ पे। अब यहाँ से हम लोग एंटर हो रहे हैं इनर गार्डन में, जो कि पैलेस का फ्रंट व्यू है ओशन से। और यही मेन यहाँ का एंट्रेंस था पहले, तो वैसे भी लोग शिप से आते थे तो सामने से, तो अब आप इसका व्यू देखिएगा, ब्रेथ टेकिंग। और अगर हम दूर से देखेंगे इसको, सोचिए अगर हम बिल्कुल बोट से कहीं से दूर से जाके इस पैलेस को देखेंगे तो कितना खूबसूरत इसका व्यू होगा। दिस इज द एक्चुअल व्यू ऑफ द।